जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर एवी वीपी और वाम छात्र संगठनों ने मंगलवार देर रात मशाल जुलूस निकालकर समर्थन जुटाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जुलूस जेएनयू के गंगा ढाबे से निकलकर चंद्रभागा छात्रावास तक निकाला गया। उधर वाम संगठनों का जुलूस चंद्रभागा से गंगा ढाबे तक निकला। जुलूस में जेएनयू के अलग अलग विभागों से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मशाल यात्रा में एवी वीपी की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमेश चंद्र अजमीरा, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीपिका शर्मा, सचिव पद के प्रत्याशी अर्जुन आनंद एवं संयुक्त सचिव के प्रत्याशी गोविंद डागी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे, जिन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों के उद्घोष से जेएनयू परिसर को ध्वनित किया। एवी वीपी जेएनयू इकाई के मंत्री विकास पटेल ने कहा कि आज हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गंगा ढाबे से लेकर चंद्रभागा छात्रावास तक विशाल मशाल यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस मशाल यात्रा में उमड़े हुजूम से पता चल रहा है कि जेएनयू से वामियों का सूपड़ा साफ होने वाला है और विद्यार्थी परिषद जेएनयू छात्र संघ चुनाव में चारों सीट पर मजबूती के साथ आ रहे हैं। जेएनयू में अब तक कुछ चुनाव को छोड़ दें तो हर बार यहां की छात्र संघ पर लेफ्ट की जीत हुई है। आखिरी बार 2000 में एवी वीपी से संदीप महापात्रा छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर पाई थी। बता दें कि जेएनयू में 22 मार्च को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा और नतीजे 24 मार्च को आएंगे। एवी वीपी के मुकाबले लेफ्ट पैनल ने आईसा के धनंजय को अध्यक्ष, एसएफआई के अभिजीत घोष को उपाध्यक्ष, डीएसएफ की स्वाति सिंह को सचिव और एआईएसएफ के साजिद को संयुक्त सचिव का प्रत्याशी बनाया है।